जीवन दिया है 20,000 रुपए नगद और 25,000 रुपए माल से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 20,000 रुपीज और 25,000 रुपीज गुड्स से, ठीक है। तो दोनों चीजें देखो, ये हमारा बिजनेस है, ये बिजनेसमैन का घर, ठीक है, बिजनेसमैन, और ये बिजनेस, बिजनेसमैन बिजनेस में कैश लगा रहा है और सामान लगा रहा है, दोनों चीज बिजनेस में आ रहा है, और जो चीज बिजनेस में आता है उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप उसकी जगह में गुड्स भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों चीजें बिजनेस में आ रहा है, डेबिट, देने वाला कौन है, बिजनेसमैन, गिवर कौन है, बिजनेसमैन है, गिवर को हम लोग क्रेडिट करते हैं, उसका नाम लिखते हैं कैपिटल। मैंने बताया था कि अगर बिजनेसमैन दे रहा है तो कैपिटल और निकाल रहा है तो ड्रॉइंग, ठीक है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक, बिजनेस स्टार्टेड विथ, दो चीज है, कैश एंड गुड्स, या कैश एंड स्टॉक लिख सकते हो, ठीक है। 20,000 रुपीज कैश है बिजनेस में, 25,000 का गुड्स आ गया, टोटल बिजनेसमैन कितना लगाया, 45,000 रुपीज लगाया, ठीक है। इस क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है 1st January 2002, तो डेट डाल देते हैं 2002 1st January, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक में नगद रुपए जमा कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस का पैसा हम लोग कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में। तो आपके पास एक क्या चीज जा रहा है, कैश जा रहा है। अब बैंक रिसीवर है कि गिवर है, देने वाला है कि पाने वाला है, बैंक पाने वाला है, रिसीवर है, गिवर को क्रेडिट किए थे और रिसीवर को डेबिट करते हैं, पाने वाला है बैंक, बैंक को डेबिट करेंगे, क्यों हो रहा बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक क्या है, रिसीवर है, पाने वाला है बैंक, पाने वाला डेबिट होता है ना, रिसीवर हमारा डेबिट हो गया। अब बिजनेस में जब कैश आया था तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। डेट है इसमें 4th January, ठीक है। अब इसके बाद जैसा थर्ड पॉइंट हमारा है, 6th January को सोहन से टाइपराइटर परचेज किए हम लोग और चेक से पेमेंट किए हैं, ठीक है। इधर देखना, ये हमारा बिजनेस है ना, ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग अपने बिजनेस के लिए क्या किया, टाइपराइटर परचेज कर रहे हैं, मान के चलो सोहन यहाँ पे है, सोहन बाहर वाला है, ठीक है, सोहन से लोग परचेज कर रहे हैं टाइपराइटर, टाइपराइटर बिजनेस में आया और आप चेक से पेमेंट कर दिए, चेक से पेमेंट करो तो पैसा कहाँ से जाता है, बैंक से जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग कैश में परचेज करते हैं, नगद खरीद रहे ना भाई, चेक से पेमेंट कर मतलब नगद दे रहे हैं, ठीक है, तो नगद अगर खरीद रहे हैं तो सोहन का नाम नहीं लिखेंगे, टाइपराइटर आ रहा है हमारे पास और पैसे बैंक से जा रहा है, ठीक है। तो टाइपराइटर आ रहा है तो टाइपराइटर डेबिट है ना, जैसे कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक आया तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर आ रहा है तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक बार देख लेना, टाइपराइटर में डबल टी आता है कि सिंगल टी आता है, देख लेना, ठीक है। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक से जा रहा है, चेक से पेमेंट करो तो कहाँ से पैसा जाएगा आपका, बैंक से जाएगा, ठीक है। बीइंग टाइपराइटर परचेज्ड, ठीक है, टाइपराइटर परचेज्ड, ठीक है, एंड पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट कर दिए, पेड बाय चेक, ठीक है। अमाउंट लिखते जाना आप लोग, शुरू में लिख देता हूँ, 12,000 था, 2,000 का टाइपराइटर है ना, 10,000 रुपये का बैंक में डिपॉजिट किए थे हम लोग, अब 12,000 का टाइपराइटर परचेस किए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, 13 जनवरी को रमेश से चेक मिला, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, रमेश से चेक मिल रहा है, देखो बेटा इधर, ये रमेश है, रमेश से हमको चेक मिला ना, रमेश से हमको क्या मिला, चेक मिला, चेक आ रहा है हमारे पास,
अगर चेक को उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तो उसको क्या मानते, कैश मानते। ये मानते हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है, तो रमेश से हमको 13 जनवरी को हमको चेक मिला है। चेक मिलता है आपको उसी दिन डिपॉजिट नहीं करते तो क्या मानते, उसको कैश मानते हैं। अगर उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तो ठीक है, तो चेक आ रहा है तो उसको क्या मान लिए बोलो, कैश मान लिए। कैश अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, रमेश, टू रमेश। ठीक है, बीइंग चेक रिसीव्ड। ठीक है, चेक अभी क्या हुआ आपका, रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, कितने का है, 2000 रुपये का, 2000 का आपका चेक। ठीक है, अब ये चेक को हम लोग क्या किए हैं, 2 दिन बाद 15 तारीख को डिपॉजिट कर दिए। उसी दिन जमा किए थे क्या, नहीं, 2 दिन बाद डिपॉजिट किए हैं। ठीक है, अगर 2 दिन बाद अगर हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये मानेंगे कि दो जो 2 दिन पहले हमको क्या मान लिए थे, चेक को कैश मान लिए थे। अभी मानेंगे कैश को हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। अब बैंक में डिपॉजिट करते तो बैंक कौन है, पाने वाला है, रिसीवर। रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक को ना पाने वाला है, पाने लोग क्या कर दिए हम लोग, डेबिट। ठीक है, बैंक को डेबिट कर दिए 15 जनवरी को, 2 दिन बाद पेमेंट करे तो 2 दिन बाद डिपॉजिट कर रहे हैं। अब जिस चेक को मैं क्या मान लिया था, कैश आ रहा करके कैश अकाउंट डेबिट कर लिए थे। अब वो चेक जाएगा मेरे पास से तो क्या मान लूंगा, मेरे पास से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, बीइंग चेक डिपॉजिट इन टू बैंक, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इंटू बैंक, इंटू बैंक। ठीक है, कितने रुपए चेक है, 2000 रुपए का। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, किशोर से गुड्स परचेस कर रहे हैं। किशोर से परचेस करे तो किशोर कौन है, देने वाला है। ठीक है, पहली बात ये पता करना पड़ेगा कि नगद है कि उधार है, तो मैं बताता हूँ ये क्या है, उधार है। ठीक है, क्योंकि नगद नहीं लिखा है, उधार भी नहीं लिखा है, पर नाम दिया है, नाम दिया तो क्या मान लेते हैं, उसको हम लोग उधार मान लेते हैं। ठीक है, तो किशोर से हम लोग उधार खरीद रहे हैं, उधार खरीद रहे तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग। ठीक है, उधार खरीद रहे हैं तो परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेट हमारा दिया हुआ कब, 18 जनवरी, 18 जनवरी किशोर से परचेस किए, 18 जनवरी परचेस करे तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है ना, परचेस अकाउंट डेबिट किसे खरीद रहे हैं, किशोर से, तो किशोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, टू किशोर, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। ठीक है, कितने का परचेज किया उससे, 3000 रुपए का। ठीक है, 3000 रुपए का परचेज किए। ठीक है, 18 जनवरी को। उसके बाद क्या हुआ कि जो रमेश का चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, देखना इधर, रमेश का चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा बिजनेस था। ठीक है, कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक, ये हमारा बिजनेस था, जो साइड में मैंने लिखा था बैंक है ये, और ये कौन था, रमेश। रमेश से चेक मिला था कब, 13 को, 13 जनवरी को। 15 जनवरी को क्या किए थे, डिपॉजिट कर दिए थे। ठीक है, 13 को चेक मिला, 2 दिन बाद हमने डिपॉजिट कर दिया। 14 को संडे था, 14 फरवरी, अभी संडे ही आएगा। ठीक है, 14 फरवरी है। ठीक है, तो 14 फरवरी संडे था, तो 14 जनवरी संडे मान के चलो, तो 15 जनवरी को हम लोग जमा कर दिया हमारे पास, जैसे टाइम मिला। ठीक है, ऐसा नहीं कि संडे आप कभी भी जमा कर सकते हो, 3 महीने के अंदर में, 3 महीने का टाइम रहता है। अब आप 15 जनवरी को जमा किए, अब हमको 4-5 दिन चेक किए, 20 तारीख तक दे रखे, अकाउंट में पैसा ही नहीं आ रहा है। जब बैंक में आप पता करने के लिए गए तो हमको पता चलता है कि बैंक क्या क्या चेक को डिसऑनर्ड कर दिया, मतलब पैसा डाला ही नहीं है, चेक में कुछ फॉल्ट था, साइन में मिस्टेक होगा, या फिर जिस रमेश जो चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसा नहीं था। ठीक है, वो कैश डालना भूल गया होगा, तो बैंक हमको वापस करेगा, हम किसको वापस करेंगे, रमेश को। चेक जमा करने कौन गया था, हम किए थे ना, हमारा बिजनेस है, हम गए थे,
तो बैंक हमको रिटर्न करेगा और हम किसको रिटर्न करेंगे, रमेश को। देख भाई तेरा रमेश तेरे चेक रहा, कम हो नगद पैसे दे और साथ में पेट्रोल पेट्रोल डीजल का खर्चा भी दे, चल ऐसा करके, ठीक है। तो जो भी है तो रमेश को ना अभी हमको बैंक दे रहा है, डिजॉल्व होने के बाद हम रमेश को दे रहे हैं, तो रमेश को ना अभी चेक रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, अब बैंक को ना गिवर है, ठीक है। तो जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे, जो पाने वाला है चेक पा कौन रहा है, रमेश, और दे कौन रहा था, बैंक, ठीक है। ये हो गया 20 जनवरी का एंट्री, रमेश डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2000 का चेक था तो 2000 रुपए, ठीक है। इसको लिखते हैं चेक डिसऑनर्ड होना, अनाधिकृत होना, चेक बीइंग चेक डिसऑनर्ड। चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, अपने पास रखे रहेंगे क्या, नहीं। बीइंग चेक डिसऑनर्ड एंड रिटर्न टू रमेश, रमेश को रिटर्न कर दिए, ठीक है। हम लोग अपने पास रखे क्या करेंगे चेक को, हमारे कोई काम का है क्या चेक, नहीं, हम रमेश को वापस कर देंगे, ले भाई रख, तेरे वजह से पेमेंट नहीं हुआ। फिर हरी को बेचे, जैसे परचेस किए थे परचेस अकाउंट डेबिट टू किशोर, वैसे हरी को सेल किए उधारी, हरी को बेचेंगे तो हरी कौन है, रिसीवर है। हरी को हम लोग बेचेंगे तो हरी कौन है, रिसीवर है, पाने वाला है, और पाने वाला क्या होता है, डेबिट। हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेस करते तो परचेस अकाउंट डेबिट, बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। जब भी माल बेचा बोलेगा, गुड सोल्ड बोलेगा, तब गुड सोल्ड गुड परचेस, तब हम लोग परचेस सेल यूज करते हैं। टाइपराइटर परचेस करा तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, मशीनरी परचेस करा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब गुड्स की बात करेगा ना, जब माल की बात करेगा तब हम लोग परचेस और सेल्स यूज करते हैं, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। डेट क्या दिया इसका, इसका डेट दिया हुआ 22 और अमाउंट दिया है 2500 रुपीज, ठीक है। 22 जनवरी 2500, ठीक है, 2500, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हरी से कुल भुगतान में 2380 रुपए मिला। देखो बेटा इधर, हरी को हम लोग सेल किए हैं 2500 रुपए का, गुड सोल्ड टू हरी 2500 रुपए, इससे कितना पैसा आ रहा है, 2380 रुपए कैश आ रहा है, तो 120 रुपए कम मिला, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंट बोलते हैं। क्यों, पूर्ण भुगतान में बोला है, 120 रुपए उधारी नहीं बचा आपका, आपको पूरा पैसा दे दिया है, वो 120 रुपए कम करा लिया है, पूर्ण भुगतान में लिखा ना, फुल सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट में क्या किया उसने, हमको 2300 रुपए दिया, 2500 रुपए मिलना था, 2380 रुपए कैश दे दिया, बाकी पैसा नहीं देगा, 120 रुपए क्या हो गया, वो डिस्काउंट हो गया, ठीक है। कब, 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी पैसे आपके पास आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट 2380 रुपए, हरी से कितना लेना था, 2500 रुपए टू हरी, हरी से 2500 रुपए लेना था, तो इस बीच में जो 120 रुपए कम मिला है, जो हमको नुकसान हुआ 120 रुपए का, उसको क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव्ड, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट, पूर्ण भुगतान में, फुल सेटलमेंट में पेमेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस का नगद दिए हैं 500 रुपए और चेक से पेमेंट किए हैं 300 रुपए, ठीक है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस बोलते हैं, बिजनेस में बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे को क्या करते हैं, सबको एक साथ नाम देके सन्ड्री एक्सपेंसेस बोल देते हैं, विविध व्यय, ठीक है। तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो क्या करते हैं, इसको डेबिट, खर्चा है ना भाई, डेबिट करेंगे, ठीक है, और चेक से कैश दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। डेट हमारा 30 जनवरी, अमाउंट है 200 रुपए नगद में, 500 और 300 रुपए बैंक से ना चेक से, तो 500 कैश दिए, 300 रुपए लोग चेक से दे दिए, टोटल हो जाएगा 800 रुपए, ठीक है।
ये हमारे पूरी जर्नल एंट्री कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट हो गया। टोटल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, टोटल करते हैं। टोटल हमारा इस साइड का टोटल आ गया हमारा 3,25,000, 7,500, 10,000, 10,800 इस साइड का टोटल आ गया, ठीक है। इस साइड का टोटल कर लेते हैं हम लोग 45,55,67,71, ठीक है, ऐड कर दो जाएगा 81,800 आया, क्या आ गया ना 81,800, 81,800 कंप्लीट।